हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भारत के भूगोल यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग मैं 60 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर करा था। साथ ही साथ पार्ट वाइज जितने भी पार्ट, 5 पार्ट अपलोड हो गए, उसको पार्ट वाइज देख के चलिएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे, कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर भी देख सकेंगे। साथ ही साथ मैं कंप्लीट हिस्ट्री कराया हूँ, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कराया हुआ है। टॉप के क्वेश्चन जो आपका लूसेंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है छांट के, वो भी तो सभी एग्जाम को कवर कराया गया, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, PSC, व्यापम, पुलिस कॉन्स्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्राओं से देखा, कोई भी एग्जाम हो, जो आपका जो इंडियन जियोग्राफी का जो सिलेबस है लगभग सभी एग्जाम के लिए है, कंपलसरी एक एग्जाम के लिए नहीं है। बाकी आप समझदार हो, सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा, वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम आपके रिपीट भी हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। हमारा 5वां पार्ट है, 4 पार्ट अपलोड हो चुकी है, इसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट कहीं भी पढ़ें, पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। आधा दूरा पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। 100वां क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या आपका पृथ्वी ग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारे सौर मंडल में, याद रखें, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह हो जाएगा आपका बुध ग्रह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे सौर मंडल में अगर देखेंगे तो सूर्य के सबसे निकट का जो तारा आपका बुध ग्रह, इसको याद रखिएगा। तो सौर मंडल के सबसे, या आपका सौर मंडल में देखें तो आपका 8वें नंबर का ग्रह, याद रखिए, सौर मंडल में देखेंगे तो आपके 8वें क्रम का जो ग्रह है आपका बुध ग्रह, जो कि आपके सबसे छोटा ग्रह इसको कहा जाता है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह इसको कहा जाता है। अगर इसका परिक्रमण कर जो काल है देखेंगे, जिसका जो परिक्रमण काल है आपका कितने दिन में कंप्लीट करता है आपका, तो लगभग ही आपका इनका जो परिक्रमण काल है आपका 800 इसका परिक्रमण काल है, मतलब तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह कहा जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है SSC में, निम्नलिखित किसे जो बौना ग्रह माना जाता है? शनि को, यूरेनस को, प्लूटो को या आपका नेपच्यून को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ये आपका इस ग्रह को ग्रह के इसको हटाया भी गया है इसको, तो सौर मंडल का सबसे जो बौना ग्रह ही आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका प्लूटो ग्रह हो जाएगा। तो इसको सौर मंडल के ये आपके सबसे बाहरी ग्रह, इसके इसलिए इसको बौना ग्रह, ये आपका छोटा ग्रह, इसलिए इसको बौना ग्रह के श्रेणी में इसको रखी गई, और आपके इसको ग्रह से इसको बाहर रखा है, सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह में इसको रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मंगल जो ग्रह है खाली स्थान ग्रह का एक उदाहरण है, स्थली ग्रह, गैसीय ग्रह, बाहरी ग्रह या आपका जैवियन ग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मंगल जो ग्रह है, याद रखें, जो मंगल जो ग्रह है आपका एक स्थली ग्रह, स्थली ग्रह कैसे, इसमें अभी भी खोज बहुत सारे देश में से खोज कर रहे कि यहाँ पे अगर जीवन जैसे संभव हो तो यहाँ पे लोगों को बसाया जाए, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे देश यहाँ पे खोज वगैरह, यहाँ पे सेटेलाइट वगैरह बहुत सारे यहाँ पे अभी भी चल रही है कि मंगल ग्रह में, मंगल जो ग्रह है इसमें अगर जीवन यहाँ पे संभव है तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे देश यहाँ पे इसमें यही खोज में लगी गई है। तो यहाँ पे जो मंगल ग्रह, इसका उदाहरण आपका स्थली ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है, इसको मार्स बोला जाता है, मार्स, तो मंगल को मार्स ग्रह इसको कहा जाता है। और सौर मंडल में, याद रखें, सौर मंडल में सूर्य का फोर्थ क्रम का ग्रह है, याद रखें, चौथे क्रम का ग्रह है, तो सौर मंडल में देखेंगे तो सूर्य के आपका फोर्थ क्रम का ग्रह है आपका मार्स, मंगल ग्रह, और आपको इसको लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका लाल ग्रह इसको बोला जाता है मंगल ग्रह को, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो पृथ्वी, पृथ्वी की तरह जो आप मंगल में आपके स्थलीय धरातल वाला ग्रह इसको कहा जाता है, इसमें भी जैसे पृथ्वी में हम निवास करते हैं उसी तरह वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे भी लोग यहाँ पे निवास कर सकते हैं, तो इसीलिए पृथ्वी की तरह इसको मंगल ग्रह को स्थलीय धरातल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि
वहाँ सूरज डूबते ही उगता है, या फिर जापान के पूरे दिन सूरज हमेशा आकाश के पूर्वी हिस्से में रहता है, या जापान दुनिया का सबसे पूर्वी देश है, यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, या डी है द सूर्य, या फिर सूर्य की किरणें समुद्र के पानी के परावर्तित होती है और जापान में सूर्योदय को सुंदर बनाती है, इसलिए तब जापान को उगते सूरज की भूमि क्यों कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो जापान जो है, जो जापान जो देश है दुनिया का सबसे पूर्वी देश, आपके पूर्व देश में जो पूर्वी दिशा में आपका स्थित है, पूर्व में, इसलिए इसका जो सबसे पहले जो सूर्योदय अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो सूर्य जो भगवान है सबसे पहले यहीं उगता है, इसलिए सूर्योदय के कारण इसको जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। हम बचपन में इसे हम पढ़े भी हैं, उगते सूरज की जो भूमि किसको कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, बचपन में भी हम पढ़े हैं पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परस्पर जुड़े द्वीपों के समूह को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, जल डमरू मध्य प्रायद्वीपीय द्वीप समूह आपका लैगून, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वीप समूह इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो परस्पर जुड़े द्वीपों के जो समूह यहाँ पे द्वीप समूह कहा जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, तो द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए अगर देखेंगे हम विश्व का, अगर हम देखेंगे विश्व की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप वगैरह सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश में, तो आपका एक तो इंडोनेशिया हो गए, इंडोनेशिया में इसको द्वीपों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। अगर देखेंगे तो 17,500 से भी ज़्यादा यहाँ पे द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। इसके बाद आपका कनाडा हो गया, इसको यहाँ भी आपको देखने को मिला, ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा, ये सभी सबसे ज़्यादा आपके द्वीपों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। सभी द्वीप वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है, इंडोनेशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे द्वीप समूह यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस मामले में महसूस किया गया था, गेहूँ में, चावल में, दालें में, या तिलहन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपके वर्ष 1968 में, 1968 में ये आपके उत्पादन में अगर देखेंगे तो वर्ष 1968 में जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कितना हुआ था, 170 लाख टन ये आपके रिकॉर्ड बनाया था, और उस समय उत्पादन इतनी ज़्यादा हुई थी, 170 लाख टन रिकॉर्ड बना दिया था 1968 में, तब से जो गेहूं का उत्पादन दिनों दिन यहाँ पे बढ़ती गई, इसलिए इसको जिसके हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इन्हीं के दिन इनके द्वारा लाया गया था, तो इनको इनके जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, तो इसको याद रखे हरित क्रांति इन्होंने लाई थी, और गेहूं के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ही रिकॉर्ड टूट गया था, तब से इसको गेहूं के लिए इसको हरित क्रांति के जनक के नाम से एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। 1968 में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे उत्पादन हुआ था गेहूं में, तब से इसको एक रिकॉर्ड बन गया था, तो इसको यहाँ पे हरित क्रांति के नाम से इसको गेहूं को जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत को खाली स्थान कहा जाता है, तो सूर्य के जो बाहरी जो आवरण होता है, जो बाहरी परत को खाली स्थान कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर, एक मिनट, तो सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, रेडियोधर्मी क्षेत्र, या आपके कोरोना कहलाता है। तो सूर्य की बाहरी परत ना, सूर्य के जो बाहरी परत को क्या बोला जाता है, तो इसको क्रीड बोला जाता है। तो जो आपके सूर्य का जो बाहरी आपका होता है, बाहरी जो परत है, इसको क्या बोला जाता है, इसको, तो इसको कोरोना या इसको क्रीड भी बोला जाता है, जो भी ऑप्शन रहेगा तो लगाइए। तो सूर्य की जो बाहरी परत को कोरोना या इसको किट के नाम से इसको जाना जाता है, और या फिर जो सूर्य के जो कई मतलब कई परत में होते हैं, जैसे आपका फोटोस्फीयर, फोटो जो स्फीयर, ये आपके अंदर का भाग है जिसको फोटोस्फीयर, जो सूर्य के जो या आपके बाहरी परत को कोरोना या किट बोला जाता है, और जो फोटोस्फीयर यहाँ पे दिखा गया है, तो फोटोस्फीयर सूर्य के या आपका अंदर का भाग है या अंदर का जो परत है, इसको फोटोस्फीयर बोला जाता है। क्रोमोस्फीयर, ये सभी सूर्य के ये भाग, तीन भाग है, तो इसको याद रखिए, अंदर के भाग को फोटोस्फीयर, कोरोना आपके बाहरी परत है, और आपका जो क्रोमोस्फीयर आपका बीच का भाग होता है, तो ये आपका तीन परत होता है सूर्य को, तो इसको याद रखिए, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस में, पिट में, या आपके लिग्नाइट में, तो आपको पता होगा जो
कोयला चार प्रकार के होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लेगनाइट, ये चार प्रकार के होते हैं। जिसमें ऐसे आपका जो एंथ्रेसाइट जो कोयला है, जिसमें कार्बन का सर्वाधिक जो प्रतिशत लगभग 80%, 85% जो सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में कार्बन की जो मात्रा सबसे 85% इसमें कोयले की मात्रा पाया जाए, सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट को कोयला को कहा जाता है। अगर इसको अच्छा एग्जांपल बता दूँ, अगर इसको जो एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसको अगर हाथ में लेते हैं, जो लोकल जो आपका रहता है अनेक प्रकार के जो कोयला हाथ में लेंगे तो काला हो जाता है, लेकिन एंथ्रेसाइट कोयला की यही खासियत होती है, उसको हाथ में लेंगे तो आपका हाथ काला नहीं पड़ेगा। ये इसकी खासियत होती है, कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा 85% इसमें होती है और हमें कोई भी इसके इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये आपका कोई भी इससे नुकसान नहीं होता है। तो इसको याद रखिए, तो एंथ्रेसाइट कोयला जो कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन सबसे 85% लगभग इसमें पाई जाती है, और आपका जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है ये आपका कार्बन में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और ये आपके एंथ्रेसाइट जो जो कोयला है ये आपके कैसे चट्टान में पाई जाती है, तो याद रखिए टर्शरी जो चट्टान है, टर्शरी क्रम के जो चट्टान है इसमें आपका एंथ्रेसाइट कोयला पाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो एंथ्रेसाइट कोयला में सोचने वाली बात यहाँ पे, तो अगर देखेंगे सबसे सर्वाधिक प्रतिशत सबसे ज़्यादा कार्बन आपके एंथ्रेसाइट में मिलता है, लेकिन आपके भारत में देखेंगे तो कहाँ पे ये एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, तो याद रखिएगा तो टर्शरी चट्टान में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, और आपके खासकर जो कारगिल क्षेत्र है, भारत के जो कारगिल क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपका एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों के प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा परबैंगनी विकिरणों की रोकथाम, या आपका वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का फंसना, या हरे रंग की इमारतों को नुकसान पहुंचाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है, इसका प्रभाव इफेक्ट क्या होता है? तो वायुमंडलीय गैसों के कारण यहाँ पे सौर जो ऊर्जा यहाँ पे फंसना होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगर देखें ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको हरित प्रभाव के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आपके इस ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैसों में खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन इसमें शामिल होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कारण है, कौन से इसमें गैस पाई जाती है, तो एक तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ये सभी जो गैस इसमें शामिल होता है, तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि विज्ञान खाली स्थान को बढ़ाने की एक प्रथा है, पौधे और जानवर, फसल और पौधे, कृषि और केवल फलदार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधे और जानवर। तो कृषि विज्ञान जो बढ़ाने का जो प्रथा क्या है, आपके पौधे और जानवर, मतलब आज देखेंगे कृषि इतना डेवलप हो गए, तो पहले क्या होता था, ये पौधे वगैरह जो हम कृषि करते थे तो हम जानवर के भरोसे में यहाँ पे हम खेती करते थे, इसी को बोला गया है कृषि विज्ञान बढ़ाने की प्रथा क्या है, पौधे और जानवर इसका मुख्य कारण है। आज तो बहुत सारे इतना डेवलप हो गए, तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू आकृति विज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? अपने प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी, स्थल रूप और स्थल रूप विकास, या पृथ्वी की भौतिक संरचना, या जीव और उनके पर्यावरण का संबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो भू आकृति विज्ञान का जो वैज्ञानिक अध्ययन है आपका स्थल रूप और आपके स्थल रूप का जो विकास इसका अध्ययन होता है इसमें, भू आकृतिक जो विज्ञान में, इसको याद रखिए, तो स्थल रूप जो हमारे स्थल और स्थल रूप में जो कैसे विकास हो रहा है इसमें हम वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पे होती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेंस में, स्टेट PSC वगैरह मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग जो सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? कई बार एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, तो बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है? जॉर्जेस लेमेत्र ने, हरमन बांडी ने, फ्रेड हायल ने, आपके आर्थन एडिंगटन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्जेस लेमेत्र, याद रखिए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाने, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको विकास को समझाने के लिए एक बिग बैंग थ्योरी लाया गया था, इसका सिद्धांत का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आपके जॉर्जेस लेमेत्र वैज्ञानिक को नाम, जो वैज्ञानिक है इनका नाम को याद रखिएगा, जॉर्जेस लेमेत्र, इन्होंने 1927 में, कौन से सन में, 1927 में इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए इन्होंने बिग बैंग
थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव इन्होंने लाया था 1937 में। तो बिग बैंग सिद्धांत इन्होंने दिया था, इनके द्वारा ही जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, और इन्होंने पहले जो ब्रह्मांड के अगर देखेंगे पहले जो हमारा जो ब्रह्मांड है आपका एकदम सिमटा हुआ था कई अरब वर्ष से पूर्व, आपको कहा जाता है ये आपका विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण यहाँ पे अलग अलग कण में फैल गया, जिसके कारण आज भी देखेंगे तो ब्रह्मांड आज भी आपका फैले हुए अवस्था में है। मतलब आज भी जो आपका ब्रह्मांड फैलता हुआ है, मतलब आपके फैल रहा है अभी भी देखेंगे तो। इसी को बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे 1927 में इन्होंने दिया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा था? इसको तो बहुत बार बताया हूँ, एक पहला दूसरा पार्ट में जब आया था। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या आपके मंगल ग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। याद रखें शुक्र ग्रह जिसको वेनस बोला जाता है, तो वेनस ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और आपके जो ग्रह है जो सौरमंडल जो या जो ग्रह है आपका सूर्य के द्वारा सूर्य के आपका दूसरा सेकंड नंबर का ग्रह याद रखिएगा। तो वेनस जो सूर्य जो शुक्र ग्रह है आपके जो ग्रह सूर्य के दूसरा क्रम का ग्रह है, तो इसको भी याद रखिएगा सेकंड नंबर का ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, याद रखिए पृथ्वी को वायुमंडल जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्रिप्टॉन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो हमारे जो वायुमंडल जहाँ पर हम निवास करते हैं उसको वायुमंडल बोला जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में ये तत्व पाई जाती है। अगर देखेंगे तो 78% या आपका नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, और आपका 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, और 1% इसमें अन्य यहाँ पे तत्व इसमें पाई जाती है जो कि आपका जो सभी आपका गैसों से बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा देखेंगे तो नाइट्रोजन ये आपका हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपको पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा ये आपका तत्व है गैस, तो नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार क्लियर नहीं होते एक बार और देखिएगा। तो मुख्य समुद्र जो समुद्र है इसमें जो मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है? खाड़ी, इत्तुम, लैगून या आपका जल डमरू मध्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैगून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार देखेंगे तो लैगून लैगून करके पेपर में आता है, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल बताऊँगा। तो आपको मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अलग किए गए समुद्री जल को विस्तार को लैगून कहा जाता है, तो इसका अच्छा ही एग्जाम्पल बता। लैगून क्या होता है? जैसे जो समुद्र देखेंगे कई जगह आप घूमने गए वेस्ट बंगाल समुद्री, अच्छा एग्जाम्पल पूरी जो आप उड़ीसा जाते होंगे समुद्र वहाँ पे विशाखापट्टनम में है, तो बड़े भी जितने भी समुद्र वगैरह हैं वहाँ पे देखे हैं, तो समुद्र जो महासागर में आप जाएंगे तो आपके किनारे पे साइड साइड में देखेंगे जो समुद्र है साइड साइड में समुद्र महासागर के किनारे पर आपका जो बनने वाला जो उथला जल जो क्षेत्र होता है इसको ही लैगून बोला जाता है। साइड साइड में देखेंगे जो आपका जो उफला हुआ जो जल क्षेत्र होता है इसको ही आपका लैगून बोला जाता है, तो इसको याद रखें। थोड़ा थोड़ा वैसे मतलब एकदम छोर में लास्ट में पानी थोड़ा थोड़ा रुका रहता है, तो समुद्र जो महासागर में देखने को मिलता है तो किनारे पे जो बनने वाला एक जो उथला जल का जो क्षेत्र होता है उसको ही लैगून बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।